हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की हाई थिंकिंग में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं बढ़िया सी टेस्टी रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एकदम डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे पोटैटो चीज डिप। एक बार खा लेंगे ना बस पिज्ज़ा बर्गर वगैरह सारा भूल जाएंगे, इतना टेस्टी लगता है ये खाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अमूल के क्यूब्स वाले चीज़ लिए हैं, अब इसे मोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। चीज़ को कट करने के बाद इसके लिए हम डिप रेडी करेंगे। तो इसके लिए एक ग्लास या बोल ले लेंगे, इसमें 4 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। फिर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और पोरिंग थिक बैटर रेडी करेंगे। तो इस तरह की पोरिंग डिप होनी चाहिए हमारी। तो पोटैटो चीज़ डिप बनाने के लिए हम यहाँ पर पिज़्ज़ा टॉपिंग यूज़ करेंगे। तो आलू की एक स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर पिज़्ज़ा टॉपिंग स्प्रेड करेंगे। अब इसके ऊपर प्याज की स्लाइस रखेंगे, उसके बाद कटा हुआ चीज़ रखेंगे, उसके बाद स्लाइस में कटा हुआ टमाटर भी रखेंगे। अब फिर से हम आलू की एक स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर पिज़्ज़ा टॉपिंग स्प्रेड करेंगे। अब टमाटर के ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब हम थोड़ा सा ऑरेगानो ऐड करेंगे। अब ऊपर ये आलू वाली स्लाइस रखेंगे। अब हम टूथपिक लेंगे और इसे बीच में लगा के इन सारी चीज़ों को जॉइंट कर लेंगे, जिससे कि ये निकले ना। तो बस इसी तरह से 4 पोटैटो चीज़ डिप बना लेंगे हम। तो अब हम पोटैटो चीज़ को लेंगे और इसमें डिप करेंगे, अच्छे से डिप करेंगे, जिससे कि अच्छे से कोट हो जाए। तो पोटैटो चीज़ हमारी अच्छे से डिप हो गई, इसी तरह हम सारी डिप कर लेंगे। तो पोटैटो चीज़ डिप को अब फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें पोटैटो चीज़ डिप डालेंगे और इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो इसे उलट पलट के हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो पोटैटो चीज़ डिप हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसे निकाल लेंगे। तो पोटैटो चीज़ डिप बनके हमारी रेडी होगी, अब इसे सॉस के साथ इंजॉय करेंगे। तो ये बच्चों की तो फेवरेट होने वाली है। तो अब टूथपिक को निकाल देंगे, फिर इसे सर्व करेंगे। तो आज मेरी ये पोटैटो चीज़ डिप की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।